बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको हज़रत मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इकरामत के बारे में बताएंगे। कई दिन तक मुसलमान हैबर को फतह करने में नाकाम हो गए। चुनांचे एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथों में अल्लाह ताला ने फतह लिखी हुई है। अल्लाह ताला उस इंसान की मदद की वजह से आज हमें फतह देंगे। चुनांचे सुबह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा जो था वो हज़रत अली के हाथ में दिया। मुसलमानों ने अल्लाह का नाम लेके हैबर का जो किला था उसके ऊपर हमला कर दिया। मुसलमान बड़ी दलेरी और बेजिगरी के साथ लड़े। यहूदी भाग गए, किले के अंदर बंद हो गए। उन्होंने वो जो दरवाज़ा था जिसका वजन 40 मन रवायात के अंदर आता है बंद कर दिया। जाचे मुसलमानों ने शदीद हमला किया लेकिन दरवाजे की वजह से वो किले के अंदर नहीं जा सकते थे। नाजरीन, मैं आपके गोश गुजार करते चलूँ कि रवायात में आता है कि वो जो 40 मन वजनी दरवाज़ा था अली केले ने उखाड़ा और फजा के अंदर उछाल दिया और आज तक उस दरवाजे का कोई पता नहीं कहाँ है। चाचे मुसलमान किले के अंदर दाखिल हो गए और यहूदियों को चुन चुन के मारा। बाज भाग गए और बाज मुसलमानों की कैद के अंदर आई। नाजरीन, ये छोटी सी जो कावश थी आपकी गोश गुजार करनी थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम करामत। अल्लाह हाफिज़।